नमस्कार, मैं SDKLDAV स्कूल मानसा से पूनम हिंदी अध्यापिका आज हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इक प्रत्यय की खासियत पर विचार करने जा रहे हैं। इक प्रत्यय में कुछ ऐसी बात है जिससे पूरे शब्द के आरंभ वाले वर्णों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है और ये परिवर्तन क्या होते हैं, आज हम इस पर विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है। व्याकरण में वह अक्षर या अक्षर समूह या अविकारी भाव अनचेंजेबल शब्द या अविकारी शब्दांश जो शब्दों के बाद लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सत्य प्लस ता सत्यता, बुरा प्लस आई बुराई। अब देखो प्रत्यय शब्द का अर्थ। प्रत्यय शब्द प्रति प्लस आय के मेल से बना है। प्रति का अर्थ साथ में, पर बाद में, और आय का अर्थ चलने वाला। अतएव प्रत्यय शब्द का अर्थ साथ, पर बाद में, चलने वाला या लगने वाला। अब प्रत्यय से लाभ। प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द रचना होती है जिससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है, साथ ही साथ अनेक प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति में हमें आसानी होती है। आगे इक प्रत्यय विशेष प्रत्ययों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इस प्रत्यय में वृद्धि का सिद्धांत है। विशेष दृष्टव्य इक प्रत्यय के नियम। पहला नियम देखो, अ से आ। अ से आरंभ होने वाले शब्दों को आ में बदल देना। भाव देखो, धर्म प्लस इक धार्मिक। अब ये देखो अ से आ में परिवर्तन। अगर पहला वर्ण है जो मुक्ता है, भाव उसको कोई मात्रा नहीं है, तो उसी वर्ण के पहले वर्ण को आ की मात्रा लग जाती है। भाव अ है जो आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। धर्म प्लस इक धार्मिक, प्रमाण प्लस इक प्रामाणिक, परिवार प्लस इक पारिवारिक, सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक, वर्ष प्लस इक वार्षिक। अब देखो ये सभी अ का किस में परिवर्तन हुआ है, आ में। दूसरा नियम, अगर किसी शब्द में पहला वर्ण आधा हो तो दूसरे वर्ण में परिवर्तन करता है। जैसे व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक। अब ये देखो हमारे पास जो पहला वर्ण है वो आधा है, तो इधर आ की मात्रा दूसरे वर्ण को आएगी, दूसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक, स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक, व्यवसाय प्लस इक व्यवसायक। अब तीसरा नियम देखेंगे,
तीसरे नियम में देखो, ई ई या ए से ए, ई ई या ए से आरंभ होने वाले शब्दों को ए में बदल देना। भाव देखो, दिन प्लस एक दैनिक, अब ई है जो इसमें परिवर्तित हो गई ए में। दिन प्लस एक दैनिक, नीति प्लस एक नैतिक, अब ई किसमें परिवर्तित हो गई ए में। इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, वेद प्लस एक वैदिक, अब ए किसमें परिवर्तित हो गई ए में। सेना प्लस एक सैनिक, ए किसमें परिवर्तित हो गई ए में। अब चौथा नियम देखो, उ उ और ओ से औ में परिवर्तन। उ उ और ओ से आरंभ होने वाले शब्दों को औ में बदल देना। जैसे मुख प्लस एक मौखिक, अगर पहले वर्ण को हमारे पास छोटे ऊ की मात्रा है तो वो किस में परिवर्तित होगी औ में, मौखिक। अब ये देखो, ऊ किस में परिवर्तित हो गया औ में। ऐसे ही बुद्धि प्लस एक बौद्धिक, इसमें भी छोटा ऊ किस में परिवर्तित हो गया औ में। उपचार प्लस एक औपचारिक, अब यहाँ भी छोटा ऊ किस में परिवर्तित हो गया औ में। अब देखो, भूत प्लस एक भौतिक, अगर हमारे पास बड़ा ऊ है, पहले वर्ण को बड़ा हुआ ऊ है, तो वो भी किस में परिवर्तित होगा औ में। जैसे देखो, भूगोल प्लस एक भौगोलिक, यहाँ भी हमारे पास क्या था, बड़ा ऊ, और किस में परिवर्तित हो गया औ में। योग प्लस एक यौगिक, अब हमारे पास यहाँ पर अ था, वो भी किस में परिवर्तित हुआ है औ में। लोक प्लस एक लौकिक, छोटा ओ किस में परिवर्तित हुआ है, बड़ा ओ।